चुनाव के ऐन मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से कुछ जुड़े अनछुए पहलू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे फेसबुक ने पेज ने शेयर किया है। उसमें एक उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी है, चाय बेचने से लेकर के और भी जो कुछ जुड़ा रहा, उसमें एक बात उन्होंने कही है कि दिवाली के मौके पे वो 5 दिन के लिए कहीं चले जाया करते थे। जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं जवाब देता था, यानी कि मोदी जी जवाब दिया करते थे, अपने आप से मिलने जाता हूँ। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। आपने मोदी जी का गांव देखा है, जो उनका कर्म क्षेत्र रहा है वो देखा है, उनके आध्यात्मिक जीवन से भी वाकिफ हैं कि पहले वो उन्होंने पहाड़ पर हिमालय में जा करके काफ़ी दिन बिताए थे और अब उन्होंने ये बात शेयर की है, क्या मानते हैं, क्या इसका कुछ? देखिए, दरअसल चुनाव का मौका है और ये तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। मैं लाइन से आपको बता देता हूं, वो चीज़ें तो हैं ही, मोदी जी जो बोलते रहते हैं उन पर तमाम सारी किताबें अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अभी जो होगा वो सब चुनाव ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर आपको याद हो, चलो जीते हैं एक शॉर्ट फिल्म आई थी और उसमें उनकी एक कहानी थी जो मोदी जी ने खुद लिखी थी, पीले फूल। और वो कहते हैं कि वो पीले फूल एक नाटक था जो उन्होंने वहाँ खेला था। उसमें दिखाया जाता है कि कैसे नरेंद्र मोदी अपने गांव के स्कूल में पढ़ते हैं और उसी दौरान उन्होंने एक नाटक खेला। वो उन्हें दिखाया गया कि कैसे एक दलित की बेटी बीमार है और उनका बेटा को ठंडक पहुँचाने के लिए, कि तप रही थी लड़की बुखार में, पीले फूल लेने के लिए मंदिर भेजती है और मंदिर के पुजारी उसे एंट्री नहीं करने देते, धक्का दे के निकाल देते हैं। और वो नाटक उन्होंने वहाँ उन्होंने खेला था और उसी को फिल्म के तौर पे दिखाया गया। अब आप देख लीजिए, उरी आई, उरी में करेक्टर था नरेंद्र मोदी का, रजत कपूर ने उसमें प्ले किया। अभी विवेक ओबराय एक फिल्म आ रही है, वो पूरी बायोग्राफिकल फिल्म है और उस बायोग्राफिकल फिल्म में विवेक ओबराय रोल कर रहे हैं मोदी का, वो आ रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो उनके लोग जो अलग अलग जहाँ मोदी नहीं है वो उनके लिए फिल्म बना रहे हैं, हिंदू सरकार हो, आपकी प्राइम मिनिस्टर वाली जो फिल्म हो, एक्सटेंडल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि काफ़ी ये पढ़ा जाता है, देखा जाता है। हाँ, अभी चुनाव है तो अभी फिलहाल आप कुछ भी करिए उसके पीछे एक खास मकसद होगा, वो चुनाव होगा। तो उनके विरोधी आरोप लगाते हैं कि वो अपनी पुरानी चीज़ें जो नहीं भी किए होते हैं उसको भी नए पैकेजिंग में कुछ इस तरह से देते हैं। ये दोनों पहलू हैं इसके, चुनाव है तो ये होगा, वो करते हैं, करते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ भी है कि लोग भी लगे रहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड है, जितना उसे आप ले आते हो लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो जितना किताबों के तौर पे, फिल्म के तौर में लाते हैं तो उन्हें लगता है इसमें उनको फ़ायदा होगा, तो अप्रोच करते हैं। और नरेंद्र मोदी जैसे प्रचार पसंद आदमी हो तो लोग प्रचार मंत्री बोलते हैं उन्हें, प्रधानमंत्री की जगह, जो आदमी जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हो अगर अपने नाम के लिखे हुए सूट को पहन सकते हैं तो लोग उन्हें इन चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं। उसमें उन्होंने एक बात बहुत दिलचस्प बताई है कि मैं अपने आप से मिलने जाता था तो वहाँ क्या करता था, मुझे ऐसी जगह चाहिए होती थी जो सुनसान जंगल हो, जहाँ जो सिर्फ वहाँ पे स्वच्छ पानी हो, तो यानी कि पानी पे भी 5 दिन वो गुजार देते थे। नहीं, नरेंद्र मोदी शुरू से आपने अभी 9 दिन के व्रत तो प्रधानमंत्री रहते हुए रखते हैं, तो ये चीज़ उनका है लाइफ का, क्योंकि शादी नहीं की, प्रचारक रहा, तो उन सब में ये चीज़ें नॉर्मली आती रही हैं। कितनी सच तो कितनी झूठ वो लोग जानते हैं। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे कितना सही बोल रहे हैं कितना उसमें जैसा विरोधी आरोप लगाते हैं? नहीं, ये कहना मुश्किल है। लोग तो इस बात पे भी सवाल उठाते हैं कि चाय क्यों पीते हैं, वो चाय नहीं बेची उन्होंने, ये पी के बीवी वाली बात भी उन्होंने तब उठाई बीच में, कई चीजें कि शादी उन्होंने इसलिए नहीं क्योंकि वो बनना चाहते थे, सब पे वो सवाल उठाते रहते हैं। विरोधियों का काम है वो तो सवाल उठाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलू कुछ बताया कि 5 दिन के लिए वो कहाँ जाते थे, किससे मिलने जाते थे, अपने आप से मिलते थे, जहाँ पे सिर्फ जंगल हो, सुनसान हो, स्वच्छता हो और स्वच्छ पानी हो, लेकिन चूंकि चुनाव है तो इसको चुनावी एंगल से तो देखा ही जाएगा कि ऐसे समय पे फिल्में भी आ रही है उनको लेकर के, और जो है ये उनकी जीवन के अनछुए पहलू भी पेज ने शेयर किया है, तो चूंकि राजनीति में है तो इसको लेकर आलोचना भी होगी, प्रशंसा भी होगी, सहानुभूति भी मिलेगी, तारीफ भी लोग करेंगे, तो देखते हैं अभी और चुनाव आते आते कौन क्या दांव चलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।